बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाह और फहाशी में क्या फ़र्क होता है? गुनाह वो होता है जो हम तन्हाई में करते हैं, और जो हम गुनाह तन्हाई में करते हैं उससे ये होता है कि कोई और नहीं देख रहा होता। और जो फहाशी होती है, फहाशी वो गुनाह होता है जिसमें हम दूसरों को भी शामिल करते हैं। मसलन हम कोई गुनाह करते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं, और जिससे देख के लोग भी करते हैं। इस तरह फहाशी होती है, और फहाशी इस तरह फैलती होती है। आजकल के लिहाज से और आजकल देखा जाए तो आजकल के दौर में सबसे जो बड़ी बात है फहाशी की, सबसे बड़ी मिसाल तो वो ये है कि टिकटॉक है, जिस पे लोग औरतें नाजेबा कपड़े पहन के बेहुदा सी वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं, जिससे फहाशी फैलती है। जिस तरह नेकियों का सरता जारी होता है, इसी तरह फहाशी भी होती है। मसलन अगर आप गुनाह करते हो, लोग देखते हो, लोग भी आगे गुनाह करते हैं, तो इससे आपके नाम अमाल के अंदर भी उनका किया हुआ गुनाह लिखा जाता है, क्योंकि आपने आपकी वजह से ही उनके जहन में ये ख्याल आया है फहाशी वाला। आप ख़ुद भी बचें और अपने आसपास लोगों को भी ऐसे फहाशी और गुनाह से दूर रखें, और बच्चों की गलतियाँ करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोज़ आप तक बा आसानी पहुँच सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।